हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अभी से। और अभी मैं तैयार हो चुकी थी नहा धो के, और आज मैंने खाने में बना के कढ़ी चावल। कढ़ी चावल ये वही दही है जो मैंने निकाली थी, मतलब मट्ठा बनाई थी मलाई से जो निकली थी वही है, और इसी से मैंने बनाए थे कढ़ी चावल। और अभी मैं बनाने जा रही थी खाना, तो सोचा पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और सनी को खिलाऊंगी मैं दूध के जवे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए मेरी मलाई, और मैं ना मलाई में मैंने रात में ना जामुन लगा कर छोड़ दिया था, मतलब जो दही जमाते हैं ना जैसे वैसे गर्म करके उसमें दही छोड़ दिया था डालकर, और ये ना दही जम गई थी। और ये देखिए पूरी तरह से जमी हुई है, और इसको मुझे चलाना है, और चला के इसके निकालना है मुझे मक्खन। तो जब मैं इससे मक्खन निकालूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, और जो इसका मट्ठा बचेगा ना वो दही, उससे आप कढ़ी बना सकते हैं। बहुत यूज़फुल होती है वो, और बहुत टेस्टी भी लगती है उसकी कढ़ी। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये मेरा घी है जो मैंने मलाई से निकाला था, मक्खन से। मक्खन को मैंने पिघला कर घी बना लिया है, और इस तरह से ना बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये ना मुझे हैंड ब्लेंडर की भी जो उतनी पड़ी थी, इसमें मैंने चमचे से ही चला लिया था, इसको निकाल लिया था घी को, मक्खन को। और ये घी मेरा बन चुका है। तो अभी ये जो मट्ठा निकले इससे मैंने कढ़ी बनाई थी, और जो मेरा घी था उसको मैं डब्बे में छान लूँगी। और ये मेरा काफ़ी सारा घी निकल आया था, आप देख सकते हो कितना सारा घी है ये। और ये मलाई सिर्फ मेरे 15 दिन की मलाई थी, और इस ट्रिक से आप घी ज़रूर निकालिएगा, बहुत अच्छा निकलता है। और सारा घी मैं छान दूंगी यहाँ पर छलनी में, और ये देखिए मेरा सारा घी निकल आया है, पूरा डब्बा भर गया था ऊपर तक। और ये जो बाद की छनन बची है ना, लोग कुछ लोग इसको फेंक देते, तो मैं इसे फेंकूँगी नहीं, इसमें से भी काफ़ी सारा घी निकल आता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस छन जो ये छनन निकली है इसको या तो आप मिठाई बनाकर खा सकते हो, और नहीं तो फिर ना आप इसको कढ़ाई में डाल दीजिए, और उसके बाद इसके अंदर ना पानी ऐड कर दीजिए 1-1.5 गिलास, और इसको थोड़ा सा ना गैस पर गर्म कर लीजिए अच्छे से। और जब ये गैस पर अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको छान कर रख लीजिए किसी बर्तन में। और छान कर रखने के बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको उठाकर छना हुआ पानी जो है इसको फ्रिज में रख दोगे उठाकर। तो आप थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप देखोगे तो इसके ऊपर घी ऊपर आ जाएगा अपने आप ही पपड़ी सी, और आप उसको स्पून की हेल्प से अलग निकाल लेना। तो इस तरह से आपका काफ़ी सारा घी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही थी फोटोशूट कराने के लिए मार्केट के पास में ही शॉप है, वहीं पर जा रही थी, क्योंकि स्कूल से नोटिस आ चुका है बच्चों का कि स्कूल ओपन होने वाले हैं, और स्कूल जो ओपन होने वाले हैं तो उससे पहले उन्हें ना एक एक कंफर्मेशन लेटर बच्चों से मंगाया है फिल करके, कि पेरेंट्स ने अलाउड किया है कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं। और तो इसी के लिए मुझे फ़ोटोशूट निकलवा कर लानी है। तो चलिए पहले मैं फ़ोटोशूट निकलवा कर ले आती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपको उसी बात। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ फ़ोटोशूट कराने के लिए, और ये मैं घर के बाहर आ गई थी, और घर के बाहर अभी हमारे घर के बाहर सड़कें बन रही हैं, तो उसकी वजह से रोड की हालत आप लोग देख सकती हो क्या है। और घर के बाहर अभी चल रहा है काम, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को कि काम कहाँ तक पहुँचा है हमारा। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी फ़ोटो स्टेट कराने के लिए, मतलब प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, और प्रिंट आउट बहुत महंगा निकाल कर दिया था इन भैया ने, मतलब 3 रुपये पर कॉपी निकाल कर दिया था। मेरे को बच्चे की ना बुक्स की भी फ़ोटो कॉपी करानी थी, मतलब कुछ प्रिंट आउट निकलवाने थे चैप्टर्स के, क्योंकि मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी इनकी, इसलिए तो काफ़ी महंगा बैठा था मुझे प्रिंट आउट निकलवाना। बाकी तो मेरे हस्बैंड निकलवा देते हैं, लेकिन वो थे नहीं यहाँ पर। तो ये देखिए लवी तो रही है रेडी, लवी पहन कर देख रही है अपनी यूनिफॉर्म कि मम्मा मेरी यूनिफॉर्म छोटी हो गई, क्या हुआ, क्या हुआ है आपकी यूनिफॉर्म का? ये देखिए क्या हुआ है, लॉकडाउन में मोटी हो गई या फिर लॉकडाउन में मोटी हो गई। ये देखिए सारी यूनिफॉर्म पड़ी हुई है मेरे सामने, खोल के डाली हुई है सारी यूनिफॉर्म मैंने, और इधर लवी हो रही है तैयार, वो पहन रही है
और ये सनी कर रहा है मुझे परेशान। अरे बाप रे, दीदी 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 छोटी हो गई, ये हालत हो रही है। और यहाँ पर ना बच्चे अपने शूज वगैरह पहनकर देख रहे थे, यूनिफॉर्म पहनकर देख रहे थे कि छोटी हो गई है, कुछ यूनिफॉर्म इनकी छोटी हो गई है, तो मुझे उन्हें खोलना है, उन्हें मतलब फिर से करना है तैयार ड्रेस। शूज वगैरह सब कुछ छोटे हो चुके हैं बच्चों के, लेकिन फिर भी स्कूल तो जाना है, तैयारी तो करनी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करेले की रेसिपी, तो उसके लिए मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दी है मैंने ऑयल सरसों का, और इसमें मैंने डाले हैं करेले। करेले को मैंने ना धो के पहले ना कट करके धो लिया था नमक वगैरह डाल के अच्छे से, और उसके बाद धोने के बाद ही मैं इनको कढ़ाई में डालकर बनाऊंगी। और इधर मैंने कट की थी और क्या ये मतलब मिर्ची, और इधर मैंने कट किया है ऑनियन। तो ऑनियन ना आँखों में बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा चुभता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है उनको पानी में डिप कर दिया था जिससे इनकी जलन निकल जाए। और इधर मेरे करेले देखिए, और करेले मेरे हो रहे हैं, और करेले ना अच्छे से जले ऐसे होने चाहिए ना, कुरकुरे कुरकुरे से थोड़ा सा, जिससे इनका कड़वापन निकल जाए। तो इन्हें मैं निकाल दूंगी अलग, और अभी मैं कढ़ाई में डालूंगी प्याज कट किए हुए चॉप किए हुए, और कढ़ाई में जो ऑयल है इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मेथी, क्योंकि मेथी में ही छौंके जाते करेले हमारे यहाँ पर। और मेथी डालने के बाद फिर ना इसको अच्छे से भुन जाने देना है मेथी को, और इसके बाद इसमें ऐड करनी है ऑनियन, और ऑनियन को हमें भूनना है, चलाना है अच्छे से, फ्राई करना है। और ऑनियन मेरी जब फ्राई हो गई थी उसके बाद मैंने इसमें ऐड की हरी मिर्ची कटी की कटी हुई, और उसके बाद हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसके अंदर मतलब करेले भी ऐड कर दिए थे मैंने, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी सारे मसाले। तो मसालों में मैं क्या क्या ऐड करूँगी, हल्दी नमक और धनिया, और उसके बाद सौंफ, क्योंकि सौंफ बहुत ज़रूरी है, सौंफ की खुशबू अच्छी लगती है करेलों में। और उसके बाद ऐड करूंगी थोड़ा सा हींग का अचार, क्योंकि इन दिनों ना आम ही नहीं मिलती है, जो आम होता है ना आम का टेस्ट होता है वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप हींग का अचार डाल सकते हो। तो मैं हमेशा करेलों में हींग का अचार डाल देती हूँ जैसे इनमें खट्टापन बना रहे और आम की कमी महसूस भी नहीं होती है उसमें। तो अभी मैं इसको ढक कर पका लूंगी थोड़ी देर, और करेले हमारी रेडी हो जाएंगे। और इधर देखिए, इधर खड़ा है सनी, कर रहा है मस्ती, और इसका ना यही काम है पूरा दिन, घर को इधर से उधर फैलाना और इधर उधर काम करना। और अभी इसका हाथ ना ऊपर तक पहुंचने लगा है, ये जो कप वगैरह रखा है ना सब कुछ गिरा देता है यहाँ तक खड़ा होकर पहुँच कर। तो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ना ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे ऐसे ही शैतानियाँ करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और सनी का तो ये काम बन चुका है, रोज़ का रूटीन है इसका कि कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते ही रहना है इसको। तो अभी मुझे करनी है आप लोगों से थोड़ी सी बातें। और ये देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर, छोटा सा बेबी मेरा क्या कर रहा है, देखिए ड्रेसिंग टेबल खाली कर रहा है सारी, इसका ना यही लगा रहता है सारा, ये ड्रेसिंग टेबल सारी खाली कर देगा मेरी अभी, ये ड्रेसिंग टेबल की हालत कुछ ऐसी है। और मेरा बेटा कह रहा है मुझे, मम्मा ये खोलो, ये दो बोलो, हेलो बोल दो सबको, हेलो हेलो। तो गाइस, तो मैं आ गई थी फोटो स्टेट करा कर घर पर, और मैंने साथ में कराया था इसका कंफर्मेशन लेटर, और कुछ फोटो स्टेट कराई थी अपनी बेटी की स्कूल की। और अभी रात का टाइम हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं, मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ, वीडियो का एंड नहीं करा मैंने। और ये देखिए मेरा बेटा, ये लेके बैठा शूज पॉलिश। और मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था, मुझे पूछना था कि बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, आपकी क्या राय है आप लोग मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि सिरदर्दी हो रही है स्कूल की, क्योंकि छोटी वाली बेटी के स्कूल खुलेंगे 1 मार्च से, और बड़ी वाली डॉटर के अभी खुलने वाले हैं 2-3 दिन में स्कूल, और स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल छोटी हो चुकी है बच्चों के 1 साल में।
शूज वगैरह भी सब छोटे हो चुके हैं, वही सब मैं आज देख रही थी। तो अभी मुझे स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको करनी है, मतलब सिलाई वगैरह करके ठीक करनी है उनको थोड़ा सा, और प्रेस वगैरह भी करनी है ड्रेस पर, यूनिफॉर्म पर। तो मैं यही सोची थी स्कूल 1 अप्रैल से खुलने चाहिए थे। हम पेरेंट्स की भी ना कितनी अजीब सी थिंकिंग होती है ना, कि जब स्कूल नहीं खुल रहे थे तब लग रहा था कि स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, और अब स्कूल खुल रहे हैं तो अब मन कर रहा है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, अभी ना भेजें, 1 अप्रैल से जाएं। क्योंकि हम लोगों को भी आदत पड़ चुकी थी देर से उठने की, और मॉर्निंग में देर से उठते हैं और रात को देर से सोने की, और अब स्कूल ओपन हो रहे हैं तो थोड़ी सी सिरदर्दी हो रही है कि सुबह मॉर्निंग में कैसे उठा जाएगा। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए हमें 8:30 बजे का स्कूल का टाइमिंग है, तो 7:30 बजे ने ऑटो आ जाएगा लेने के लिए, और उससे पहले हमें 6:30 बजे तक बच्चों को उठाना है, और अभी तक बच्चे उठ रहे थे 10:10 बजे सोकर, तो समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे टाइम पर। बस यही है, और आज बस यही था, इतना ही था, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, बस जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।